अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काफी आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार रामलीला करा रही है, तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्रों में भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, भंडारे किए जा रहे हैं। साथ में सौरभ भारद्वाज हैं, चिराग दिल्ली का इलाका वहाँ पर है। सौरभ जी, आप शिक्षा स्वास्थ्य की बातें ज्यादा करते हैं, आज तो आप भी भगवान में दिख रहे हैं मुझे। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, भगवान राम के बारे में जब तुलसीदास जी ने लिखा, उन्होंने अपनी चौपाई में लिखा, राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य ऐसा होगा जिसके अंदर दैहिक दैविक कोई कष्ट नहीं होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। राम राज के अंदर तुलसीदास जी ने कहा कि वहां पे ना कोई शारीरिक कष्ट होगा, ना दैविक कष्ट होगा, ना भौतिक कष्ट होगा। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य इन सबसे ही आप देश के अंदर राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। और ये बात तुलसीदास जी ने आज से वर्षों पहले 16वीं शताब्दी में कही। कल मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे कि राम जी का आदर्श को लेते हम दिल्ली में राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा उनका आदर्श था। आज से लगभग 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में यही बातें सारी की सारी कही थी। कल तो मुख्यमंत्री जी ने वो बातें दोहराई हैं। आप देखिए यूट्यूब पे उनकी भाषण है कि 10 पॉइंट एजेंडा है भगवान राम के, राम राज्य के अनुसरण करते हुए वो एजेंडा था। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, सरकार से अलग एक आपके नाते कितना बड़ा दिन है आज, क्या आज से चाहेंगे, क्या बदल जाए? सारे दिन भगवान के हैं। हम सिर्फ ये चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे, यही सब दुआ कर रहे हैं। उस वक्त अगर बात करें तो 500 वर्षों का जो एक इंतजार था वो खत्म हुआ और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अपने विदेशियों की नदी के साथ जितेंद्र भाटी, तीन भारतवर्ष, दिल्ली।